की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को ना रिबूट कैसे कर सकते हैं, यानी कि फोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए सेटिंग का पेज ओपन करेंगे तो इसमें आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे टैप करना है। अब आपका ये वाला पेज आएगा, इस पेज में आपको नीचे एक्सेसिबिलिटी पे टैप करना है। अब आपका ये वाला पेज आता है, इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू, इसे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको जो है ना एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट, ये जो लिखा हुआ है ना एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट के नेम के ऊपर आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होता है। इस पेज में आपको नीचे अलाउ का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका इस तरीके से पेज आएगा। इस पेज को आप ऊपर कर सकते हैं क्योंकि इसमें नीचे एक और ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको जो है ना कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, टैप एक्सेसिबिलिटी बटन। इसके सामने जो सर्कल दिया हुआ है इसे टिक मार्क लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे यूज करने में थोड़ी आसानी होती है और समझने में भी, ठीक है ना। अब देखिए आपको नीचे की साइड ये सेव का बटन, सेव पे टैप कर लेना है, तो आपका जो ऑप्शन का सेटिंग है ये सेटिंग चालू हो जाती है, ऑन हो जाती है। और जैसे ही सेटिंग ऑन होती है तो आपके फोन की स्क्रीन पे देखिए एक एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का शॉर्टकट बटन आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। तो ये जो बटन है ना, ये बटन आपकी फोन की स्क्रीन पे आपको सभी जगह पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। सभी जगह पे आप इस बटन का कभी भी किसी भी वक्त आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको करना यह है कि एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का जो शॉर्टकट बटन है ना, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें देखिए पावर का ये बटन है, पावर के इस ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से छोटा सा पेज ओपन होता है। इसमें आपको ये जो बीच वाला बटन है ना, बीच वाले बटन को आपको उंगली से दबा के नीचे रिबूट की तरफ सरकाना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि फोन जो है रिबूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रिबूट करने का तरीका। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में जरूर यूज करके देखिए, ठीक है।